ठीक है, होगी लाइव। फिलहाल बाल संबंध में मौजूद हाँ, और एक दादालाई जमीन को लेकर पिछले 4 साल तक विवाद छिड़ा हुआ है, और जानेंगे कि भाई क्या कुछ मामला है, और बता जान लग रहा है कि भाई एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष पर आरोप लगाने लग रहा है, और महिला है दूसरे पक्ष में जो आरोप लगाने लग रही है उसके जेठ पे, उसके भतीजे पे, उसकी दरानी पे, उसकी ननंद पे, मतलब एक पेच सा फंसा हुआ है 2019 से, और आज तक कोई समाधान नहीं निकला है। दादालाई जमीन को लेकर कुछ विवाद है, और फिलहाल इन हमारे पास कॉल करके ने बुला के कुछ मामला, भाई कॉल आपने करी थी? हाँ, आज बैठ सही सही। ताऊ जी राम राम। और ताऊ जी ठीक सो? ठीक सा। यो के कुछ मामला भाई, दादालाई जमीन को लेकर कुछ विवाद बता रहे थे भाई साहब। ये जमीन का मामला है मेरा, ठीक है भाई साहब। जमीन ने रोड़ा है कोई, और कोई रोड़ा नहीं है, ठीक है। आरोप लगाने तो भाई कोई कुछ लगा सके, मैं भी लगा सकू, ठीक है। गलत है आप एन चाहिए को नहीं, जमीन नहीं रोड़ा है। इस गल्ला रोड़ा है अपने चाचे तावा गल्ले। हाँ, मेरे चाची के साथ है। चाची के साथ? हाँ, चाची के साथ है भाई साहब। अच्छा, आपके पाप पिताजी हैं, कितने भाई हैं? पिताजी और दो भाई है। दो भाई? हाँ, एक चाचा एक्सपायर हो गया है। अच्छा। और पिताजी और थे नहीं, अभी बाहर गए और नहीं मिला था आपको। अच्छा। हाँ, जो आपके चाचा एक्सपायर हुए हैं उसके जो घरवाली उनके साथ आपका विवाद? हाँ, विवाद है भाई। कितनी जमीन है टोटल? टोटल है 32.5 किले अभी। अच्छा। हाँ, तो फिलहाल के दिक्कत आ रही है, क्यों ये मामला इतना वो तेज तरार पकड़ रहे हैं भाई साहब? कुछ भी दिक्कत नहीं है बे, ये तो कागज कटवाए थे, कागज कटवाने के बाद ये बोली मेरा हिस्सा फालतू है, मैं तेरा हिस्सा फालतू है तू ले सकती है। मैं भाई साहब जे तेरा तारा हिस्सा फालतू है तो तम तारा लियो, मेरा तो दोगे, मेरा भी नहीं बने देते मुझे। अच्छा, मेरे भी जो मतलब आपकी जो दादा लाई जमीन है वो आपने बांध नहीं दे रहे, कौन दिक्कत बन रहा है? या मेरे काकी? आपकी काकी? हाँ। क्यों नहीं बांध दे रही है वो तो आपका केव कब है, वो के चाह रही है? भाई साहब उनका तो सिर्फ आदमी को नहीं चल रहा है कान, आजकल लेडीज की चल रही है, ये कहना चाहूं मैं, लेडीज की चल रही है, वो करेगी नहीं जैसे बनेगी भाई साहब, जेंट्स की नहीं चलती आजकल। अच्छा, मतलब वो कहीं ना कहीं महिला को जो पावर दी गई है सरकार जो है प्रेफरेंस दे दे है पहला नंबर महिला। हाँ, तो उस चीज का कहीं ना कहीं नजायज फायदा उठाने लग रहा है आपका। हाँ, ये बात है भाई। अच्छा, के कुछ आरोप लगा दे हूँ आपको? आरोप भाई छेड़छाड़ का लगा दे, कपड़े पड़ के चौकी में जा खड़ी रहे कदे कि में कर दे, साथ ही क्या उनके दो केस लग रहे है मेरे पे अभी, 76 और लगाना चाहती थी बोले छेड़छाड़ में थी। ये ऐसे ऐसे होते भाई साहब, माँ बराबर है हमारे, ऐसे करते तो इसमें तो आप वो बता रहे देख भाई, आपकी बुआ जी भी शामिल है, आपकी माँ भी शामिल है, पूरा परिवार परेशान है, इनको क्या परेशानी है? परेशानी इन पे आरोप लगा रही है झूठे है भाई साहब। इन पे क्या आरोप? इन पे मेरे माँ पे लगाया है बोले नजायज संबंध है इसके चाचा की। अच्छा। हाँ, ऐसा बुआ पे लगा दिया बोले वो मैंने घर से निकाल दिया, क्यों निकालेगी भाई साहब, वो आपका बसा है आप अपने बसा। तो फिर फिलहाल आप के कुछ कार्रवाई चाह रहे हो प्रशासन के अधिकारी? भाई साहब कानूनी कार्रवाई यह है नजायज, जे मैं हूँ तो मेरे पर कार्रवाई होनी चाहिए, नजायज वो है तो उस पर होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है फैसला रामत है भाईचारा में हो जाए तो बढ़िया बात है, नहीं मेरा सम जो मेरी जमीन है वो हमें ना मिलनी चाहिए, उसका सम उसने में। ये आपकी बुआ जी? हाँ, ये बुआ जी। नमस्कार जी, आप एक बार खड़े हो जाओ, यहाँ रहा करो या फिर आपकी भाभी का ऑपरेशन हुआ है तो 10-20 दिन के लिए मैं आई हूँ, मेरे को बुलाया तो जमीन तो उनके नाम करवा रखी है भैया के, तो ये तो नहीं बुला ले भाई, साल दो साल में मैं फरीदाबाद रहूँ, दो साल में आऊँ भाई मैं 10-15 दिन। अच्छा, आपके दो भाई हैं और दोनों को बराबरी से बांट रखे? हाँ, नहीं नहीं इनको नहीं बट रहे, हमारे ऐसे दोनों उसके चढ़ रहे। अच्छा, दोनों ऐसे मेरी बहन का और मेरा, दोनों ऐसे उसके चढ़ रहे। आप दो भाई और दो बहन? हाँ जी। और जो आप दोनों बहन हो उसका आपका भी हिस्सा उनका चढ़ रहा है? हाँ, उनका चढ़ रहा है। तो वो हमको 4 साल हो गए भाई को खत्म हुए, तो हमको कोई बुला नहीं रही, नहीं हमको चला रही, तो भतीजे के संग बोला तो इसके संग भी बोलन नहीं दे रही, तो अब ये बताओ क्या करें। तो फिलहाल आप ससुराल में रहो, आज तो यहाँ आए हो आप? हाँ, फिलहाल कोई इमरजेंसी में आया, फिर पेटने आएंगे मिलने पेटने आएंगे, लेकिन ससुराल में बैठे और आपका नाम किस तरह आएगा, क्या कर दिया? मैं यही आई थी, यही आने के बाद लिखवाया, तो कोई भी आ गया बंदा, कोई भी रिश्तेदार आ गया उसका नाम फट चौके में। अच्छा, ये काम है इनके, मतलब जो भी आपका पक्ष में बोल पड़ा वो दोषी हो जाए। इनके जो कोई रिश्तेदार आ गया, कोई भाई बंद आ गया, कोई भी आ गया, भी मान ले गांव मत आ गया, तो उसी का नाम लिखवा देते चौके में, चलो ये काम कर। पंडित जी राम राम। राम राम।
आंटी जी आप पर भी आरोप लगे कि आपके देवर के साथ आपके नजायज संबंध थे, आपके नजायज संबंध थे। मेरे 8 साल को देवरों में आई जे थे, हर मामले में मेरा आता पाले हो, आता ब्याह हो, और आता इन्हें जाके ले आई। मेरे बहन वर्गी है, यहाँ मेरा झूठा आरोप लावे तो नजायज गलत बात है। और मतलब आपका देवर आपने पाला है, आप जिस टाइम पे आपकी शादी हुई थी उस टाइम वो 8 साल के साल लगा मैं मेरा आता पाले हूँ, आता ब्याह हूँ, आता ही मान ली वो 6-7 पढ़े हो गो पढ़े हो नहीं, फिर मैं मान ली मैंने वो खेती में लग गई। मेरे देवर वर्गो तो मेरा पति भी नहीं है जितना अच्छा वो, जो मैंने ना पूछो गांव में ना पूछो वो किसो लड़को या बात पूछो। तो मतलब जो आपके नजायज संबंध बताए जाने लगे उन आरोपों के बारे में कहोगे आपके नजायज संबंध थे? गलत लगा रही है, गलत। मैं वैसे वहां वर्गी हूँ, मेरे सामने कभी भी बोलियो को नहीं, कभी मैंने गलत मान ले निजर वर्गे देखियो को नहीं, वो मेरे लड़का है वर्गो। अच्छा हाँ, मेरा मतलब देवर भाभी वाला रिश्ता, वो एक माँ बेटा माँ बाप वर्गो रिश्ता मेरा। अच्छा हाँ, अरा गलत संबंध लाओ है, कदे कुछ भी लगाओ, कदे कुछ भी लाओ, मेरे लड़का भी लावे, मेरे भी लगावे, मेरे घरे कोई आदमी आ जा काम आरो भी आवे, भी खेती करा में खेती आरो भी आवे। इब तो मैंने 12 महीना हो गया बीजने को दिया, बहु पहला मान ली कोई आजेंदो नहीं, अरबेंड ब्लेन देना रहा कोई घरे आवा आदमी तो यानी का यू येंगो आदमी है, यू येंगो आदमी। इब कितने साल था आपने वो जमीन नहीं बांध दे रहे हैं? मैंने 1 साल होंगे, मैंने 4 साल में बहुत परेशान कर रखी है मेरे देवर मरे बाद। अच्छा, मैंने घर से लिगड़ा तो गाड़ी देती है, मेरा पशु बार मंद मेरे कांध नहीं है, तो यार रात ने 12-12, 1-1 बजे आगे बाठा फेंक है मेरे आदमी बार, सुबह बोलो मेरे आदमी छानो नहीं है, भी सिंपल आदमी है। और मेरा लड़को बार है, ये 12 महीना हो गया मेरा लड़को घरे रहे, क्यों या एंड अप करा जो मेरा कोई फिर नहीं हो जो मन ले रहा है, पुलिस में जाए मारी कोई सुनाई को नहीं, उरे जावा जो कदे आगे दरखास्त यही आ रही है, आगे जावा जो कदे भी फैसलो कर लियो मारी आ विधवा लुगाई यही चल रहा है, मेरे सिर पर आदमी है भी मारी चल रहा है। अच्छा हाँ, मतलब वो अकेली होगी उनके ऊपर आदमी का आदमी हाँ, सरकार में वो कानून को रखे भी विधवा लुगाई की। तो उसका लड़का है वो कितने साल का है? 8 साल। अच्छा, मतलब छोटा ही बेउस्ती दिन मेरे लड़को है, वो भी लड़को है मेरे, वो भी लड़को है, मैंने मान ले दोनों सब बराबर मिलना चाहिए, अच्छी में अच्छी मिलनी चाहिए, न्याऊ न्याऊ दोनों लड़का मेरा 1 साल जाना चाहिए। तो भाई वो जमीन दिखाओगे एक बार, कौन सी जमीन पर विवाद है बताइयो एक बार दिखाओ। तावजी राम राम। राम राम बोले। आप इनके परिवार? हाँ जी। अच्छा। इनके परिवार के। तो यो मामला चल रहा है के इलाके? मामला कई दिन का चला हुआ है। ये आपके पिताजी? ना, ताऊ दादा। अच्छा। सरपंच भी आया था पंचायत में। अच्छा, जो सगे दादा वो ही हाँ, ये परिवार के है। परिवार के, परिवार के। हाँ। तो ये जो परिवार मामला चला है, जो चलते चलते बात करा थोड़ी बहुत, जो परिवार में ये मामला चल रहा है के लग है, 4 साल तक कोई पंचायत भी हुई होगी कि मैं समाधान करें काम जी, सारे काम जी, काम राम है कि मैं करया हुआ था के पेच फस रहे हैं। मैं दो बार एक चौकी में भी गया था इनका दोनों वहां आपसे भी मेरा राजीपा करवाने खातर, तो वो राजीपा भी कोई नहीं हुआ, जमीन का मकाव अपने घर है बैठ लियो, कदे समझौते हुए होंगे, कदे फैसला होया होगा, पंचायत ने भी लिया होगा कोई फैसला, काम राम भी इकट्ठा होया होगा। पंचायत आई थी दो बार, आई तीन बार बेटा, पंचायत 6 बारी कर ली भाई साहब, 6 बार पंचायत कर ली, 6 बारी पंचायत कर ली, मेरे हाथे तक करेड़ी है, जो मैं मौका भी छोड़ दिया, मैं या कर देगी तो भी मंजूर है, पंचायत कर देगी तो भी मंजूर है, फिर भी ना माने तो क्या करें भाई। बिल्कुल, आज एक बार वह जमीन दिखाओ, वह जमीन भी आपने दिखा देंगे, साथ के साथ शेयर जरूर करते रहो। सर हरियाणा पे बाढ़ संबंध गाँव का मामला है कि एक जमीनी विवाद है, और उस जमीनी विवाद को लेकर जो है नजायज संबंधों के चलता नजायज संबंधों के भी जो है आरोप लगन लग रहे हैं, और एक पक्ष में महिला है और दूसरे पक्ष में उस महिला का जेठ। तो जो महिला का जेठ वाला पक्ष है वो फिलहाल कैमरे पे है, और वो जमीन आपने दिखावा कि किस जमीन को लेकर न पेच फंसे हुए पिछले 4 साल तक, जो ये मामला इसी की मतलब जो का त्यों पड़ा है। कौन सी जमीन है वो? यह जमीन है भाई साहब, यह जमीन है जो आपके घर का पिछले जमीन है। हाँ। कितने एकड़ जमीन है यहाँ? यह भाई 4.5 किले। अच्छा हाँ, 4.5 किले हैं। हाँ ठीक है। और दादा लाई जमीन तो आपकी ज्यादा बताई जाने लग रही है? दादा लाई वैसे तो न्यू का 40 किले है, अभी फिलहाल है कागज कार्रवाई में देख लो 32.5 किले। अच्छा, टोटल आपके 32.5 किले है। तो फिर ये 16 किले आपके बांटा आने हैं, तो फिर 4.5 पे पेच क्यों फंस रहा है? 4.5 पे नहीं, सारी जमीन पे फंस रहा है भाई साहब, जिसका अस्सा नहीं वो निकाय वे उस अस्से पर हो, मैं मेरा अस्सा पे मंजूर हूँ, जो जो मेरे पंती आती है वो तो दो,
मैं जमीन देख लो कहाँ पर बीज रखी हूँ, कहाँ पर मैं फसल बीज रखी हूँ। दिखाइए भाई एक बार चौवर्दा घुमा दे, ये बीच में टुकड़ा बच रहा, नुन मूंग बो रखे, नुन मूंग बो रखे, उस नरमा भी है इनके है भाई साहब। अच्छा मेरे काकी और अच्छा अच्छा हाँ। तो ये जो आप देखने लग रहे ये मूंग उनके बो रखे या जमीन यो टुकड़ा है किस तरह रहे? यो साढ़े चार एकड़ छोड़ रखे है, मेरा छोड़ रखे भाई साहब, या जो फसल बीज रखी इसके साइड ऐसा टुकड़ा और छोड़ रखे। अच्छा 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 मतलब छोटे छोटे टुकड़ा में बांट रखी है भाई साहब। इन्हें बताओ ट्रैक्टर सिर पर तो नहीं आवनी जमीन राह पे आता होगा, तीनों राह रोक रखे भाई साहब। अच्छा अच्छा मतलब एक टुकड़ा ये दे दिया, एक टुकड़ा थोड़ा और आगे दे दिया, एक टुकड़ा फिर उस तक दे दिया। हाँ ऐसे दे, कितने टुकड़े में बांट दी या बांट दी भाई? दो तीन टुकड़े में, तीन टुकड़े में बांट दी साढ़े सवा सोलह सौ एकड़। है वो तो भाई मान ली इसी जमीन में साढ़े चार किलो में बांट रखी तो साढ़े चार किले तीन हिस्सा बांट दी। हाँ तीन हिस्सा में मान ली मेरी तो फंड फंड छोड़ दी जड़े ना, तो ये टिप्स का ना बिजाई कर सके। अच्छा अच्छा हाँ तो मतलब आपने खेत का रास्ता भी नहीं मिलने लग रहा और ना आपको बिजाई होने लग रही? ना ना को नहीं होने लग रही भाई साहब। देख लियो आप फसल भी देख सकते हो और मेरी जमीन भी देख सकते हो कहाँ पर क्या कुछ। तो फिलहाल जो है यो मामला बाड़समंद गांव का है और एक पक्ष जो है आरोप लगाने लग रहा है, ये जो लड़का है ये अपनी चाची पर आरोप लगा भाई साथ के साथ चलता रहो, आपकी चाची पर ये आरोप लगा रहा है कि भाई इसकी चाची जो है इन्हें खेती भी नहीं करने दे रही है और जो महिलाओं को जो प्रेफरेंस दी गई है कि भाई सबसे आगे महिलाएं जो पहला नंबर दिया जा है, महिलाओं को जो सम्मान दिया जा है और जो कानून बनाए गए हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनकी ताकत के लिए ताकि भाई कोई महिला शोषण का शिकार ना हो, लेकिन इनका कहना है इनके आरोप हैं कि वो कहीं ना कहीं इन इस ताकत का इन कानूनों का जो है नजायज फायदा उठाने लग रही है। और भाई साहब इन इस पे तो खुद का ट्रैक्टर है ये ले रखे है, खुद बिजाई करे खुद बंद करे, मैं लेता हूँ किराए ने, जो मेरा कोई पड़ोसी आ जाए कोई मेरा यार दोस्त आ जाए उस पर आरोप लगा दे, कोई गांव का आ जाए कोई रिश्तेदार आ जाए उस पर आरोप लगा दे। भाई साहब चार साल तक इतना तंग आ रहा हूँ भाई साहब, मरना बाकी को नहीं और बचरी। अच्छा तो भाई ये इतना परेशान है पक्ष और वो भी आपने दिखा दूं जो इनकी चाची जी है वो खेत में फिलहाल सपरा करने लग रही है और उन तक भी जानांगे और इनसे भी जानांगे कि भाई क्या कुछ मामला है जो आरोप इन लगाए हैं वो आप देखने लग रहे। उनकी चाची जो है वो खेत में सपरा भी करने लग रही है और एक महिला को शायद मैंने तो पहली बार ही देखा है कि एक महिला किस तरह खेत में सपरे करने लग रही है और साथ के साथ आपको उन्हीं से मिलवा दें गल के गल लाइव में ही आपको मिलवाते हैं कि भाई इन पर आरोप लग रहे हैं कि ये खेत नहीं बांध दे रही और खेती नहीं करने दे रही है, इनका हक मार रखा है। तो ये लाइव है खेत में ही, आज ही आइयो जी एक मिनट उरा ने आ जाओ जी साइड आ जाओ आप। हाँ बिल्कुल देखेंगे जी। आंटी जी आपके ऊपर आरोप लगने लग रहे हैं कि आप इन खेती नहीं करने दे रहे हो, बाया बोई नहीं करने दे रहे हो। देखो पहली बात तो यह है इनको खेत यो बराबर खाली पड़े, यो आपने दिखने लाए रहे हो ना, दिक्कत मैंने बता दियो दिखा यो खेत है, यो आपने नो कहेंगे साढ़े चार एकड़ जमीन जो है टुकड़ा में बांट दी, तीन टुकड़े कर दिए। हाँ ये लियो बताऊ यह जमीन है यो ओढ़ता ले गए अरोड़ता 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 ये चार कौन है हमारे खेत का, अड़े पांच किले इकट्ठे है उनमें तो चार किले मेरे नाम है एक किलो इनका नाम है। तो आज हूँ चार साल पहले मेरा हस्बैंड एक्सपायर होया उसके बाद में इन्होंने मेरे साथ झगड़ा किया इसी खेत के राह के लिए। जब उन्होंने राह के लिए झगड़ा किया तो मैंने एक बात स्पष्ट कह दी भी राह देनो पड़ी, अड़ोस पड़ोस की पुलिस सारा यही बात की राह देनो पड़ी। पर यो मेरा जेठ है अभी आपके सामने कैमरे में वो मेरे लारे लठ ले भाजो है, मेरे बाप ने मारण भाजो है, मेरी माँ ने इतनी गंदी गाला काटी है, उसके बाद में अड़ते मारो केस चल तू चल तू इशार सदर थाने में चल गयो। तो सदर थाने पुनः मैडम आना राह दिवायो, उस राह में सर्दियां हाँ इतनी डूंगी खाई खोद दी, मेरो राह उनको नाड़ो है। तो हमारी यही बात हुई भी दोनों घर पाए पे दाब दियो मोगो रा दो खर्चो लाग दी अन में के भी मोगो दाब लियो मना कर दियो, बोले मेरे को दाबा मारे के डांस है वो भी। देखो आपकी छोटी छोटी बात है नू तो नहीं, पूरी छोटी को नहीं है, छोटी बात मारे बड़ो मैटर बन रही है छोटी। आप क्यों नहीं बांध दे रहे हो जमीन खेती? हाँ यह भी बताऊंगी मैं, क्योंकि जब लोग बांध भी जाएगा पीछा ना देगा तो कौन बड़ा खेत में। वो कह रहे कि भाई किसी ने ले आऊं किराए पे किसी ने लेके आवा तो आप उसके ऊपर आरोप मैं नहीं बताओ मैं पाछो भेजू तो जका आदमी ट्रैक्टर ले गया मैं पाछो भेजू उस आदमी को नाम। अच्छा ईब ईब लाइव कैमरा में ये अगर उर के किसी ने बांध आन बुलाऊं तो आप बांध दोगे? हाँ जमा स्पष्ट है बाओ अगला को खेत है
सुतरी डाल बाओ जाई करो। तो आपके या दादा लाई जमीन है, क्यों इतना विवाद छिड़ रहा है? 4 साल तक ये आपके जेठ हैं, आपके भतीजे हैं, आपका आधी रात ना काम आने क्योंकि उस मुसीबत के टाइम पर घर के काम आ। हाँ घर के काम आ, या बात मैं बताऊँ, क्योंकि घर का ही कई बार इसी सिचुएशन हो जाए कि आदमी मार के खाजे है। मेरे ही जिठानी का मेरे हस्बैंड के साथ नजायज संबंध था, अन बहुत सारा उसका रिश्ता भी छुटाया, पिंगे बावजूद भी मेरा कर्म माड़ा, मेरा बाप अड़ा रिश्तों कर गयो। मेरा रिश्तों होने के बाद में जब भी मैं ब्याह करा के आई, 4 या 5 दिन होया, तो मैं उस टाइम पढ़िया करती, मेरी 22nd year ही, तो मैं इनके भी मैं आगे पढ़ी। मेरी जिठानी मैंने स्पष्ट मना कर दियो, बोले आदमी मेरा कंट्रोल को है, मेरा देवर भी मेरा कंट्रोल, मैं तेन को नहीं पढ़ने दू गोबर गेड़, और नहीं तू न्यारी हो गए पढ़ के। तो इनके बाद में जो आदमी मेरा रिश्तों कराया, बा मैंने 6 महीना पढ़ाई, बोले 6 महीना गारंटी है, उसके बाद में तू तेरा दम पर गए। उसके बाद में यहाँ मैं न्यारी कर दी, न्यारी करी तो मेरा यारा जितनी भी जमीन है उस पर सारी पर लोन ले गए, और यो मकान तैयार करियो, मारे सारा 40 किला पर लोन ले गए। 40 किले तो आपको टोटल है नहीं, 40 है पूरा, उनके कहने तक किया हुआ अभी 32 का वहाँ, ये तो लाइव चल रहा है, पहले उनके पास थे, ये तो साइड में आप मिल गए तो आप तो बात करने लग रहे हैं। ये सारी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये आप झूठ बोलो, ये तो देखो पक्ष विपक्ष है, तर्क वितर्क तो होते रहोगे। आपकी जेठानी, आपकी जेठानी का यो कहना है कि मेरा देवर 8 साल का था जिस टाइम पर मैं इसी घर में आई थी उस टाइम पर, और मन तो माँ बेटे झुकाया। 8 साल को देवर हो, मेरी सासू ही, मेरा ससुर हो को नहीं, उसके बाद में बन देवर ने जवान करती करती कि वो इतना हो गयो शानो, उसके बाद में उसने आपको कसम बना लियो, उसका कहीं रिश्ता को नहीं होने दिया। उसको जब ब्याह हो गयो उसने आपके मुठ्ठी को रखियो, 3 साल तक इतनी मारे लड़ाई झगड़ा चले, बोले तू इसने तलाक दे दे, बन मैंने बहुत कहो, बोले अड़े 1 करोड़ को 1 किलो है, बेच के तू तलाक ले ले। मैं कह भी मैं तो तलाक तलुक सारा हो रहा है, मैं तो अड़े ही बसूंगी, तू ले ले तेन लेने में, तो भी तू इनके जाके सिर मिल जा, तलाक ही अपनो। उसके बावजूद भी वो 3 साल तक इनके साथ खूब रहे हुए, फिर भी वो ही है बालक हो गयो, उसको थोड़ा मारे मन हो गयो, तो उसके बाद में वो खारी अड्डो भी ग्रीन हाउस है, उसके मैं काम लग गयो। रोड़ा का आदमी इतना अच्छा, मैं बने एक ही बात की, मेरे को बीइंग मेरे जिठानी से नजायज संबंध है, वह किसी टाइम इसने बड़कास का है, अभी आप ध्यान रखियो इन बात को, भी आदमी ने किसी प्रकार की कोई टेंशन कौन देनी, वे उसने 9000 रुपया दिया करता, वो चीज टाइम जाओ। आप एक बात का और ध्यान रखो थोड़ा, ये आपके आपका जेठ है, आपका भतीजा है, वो ई बाप टंकी टांग रहे हो, या अपना काम करना पड़ रहा है, इसी मुसीबत में भी काम है इसका आपका, आप क्यों इतना वो विवाद कर रहे हैं? जी मैं बताऊँ, वे मेरे काम आना दूर है, उनको खुद को कौन हुआ, उनके खुद के खेत में अभी जो पड़ोसी छोरा खड़ा हुआ सप्रो करा है, उनके इतना इतना अनाज है दूसरे खेत में, क्योंकि वह टाइम सर अनाज बीजो ही को नहीं, तो अनाज कुकर बदे, मैं मेरा अनाज रात ने इन तक डरती भी लड़ाई करी दिन में बानो, रात ने बीज के मेरा देखो अनाज चौकड़ दे कितना जोर को है, अब भी के करने लग रहे मेरा अनाज ने बर्बाद कर। ये बाप के चाहो के समाधान होना चाहिए, पहला मेरी देखो ना, अब देखो या मेरी प्लाट है दुर्गी दूर, यो दुर्गी दूर खेत मारो है, वो भी मकान है, वो खेत दुर्गी दूर उसको है, तो यह बाड़ी मेरी है, इस बाड़ी ने जदि यह जामी थी इतनी हुई बैठ के मेरा जेठ सारी पाड़ दी। उसके बाद में देखो कई पेड़ा मेरा बड़ा है कई छोटा है, ये देखो छोटा पेड़ है, मैं मेरी माँ दूसरे पानी लगा के ना दूसरी बाड़ी ने बीजिया, अब क्या करने लग रही है देखो चुगे लेगी। अच्छा या दिखाओ से मैंने, या देखो साथ में तीन है छोटा, वे तोड़ के ले गए चुगाई, और या तो जरूरी थोड़ा ही है चुग के लेके, कोई और भी चुग के लेके। मैं गारंटी दे सकूं कि मेरा कोई भी पड़ोसी गांव को कौन बड़ा है, आपके पास कोई वीडियो है, कोई वीडियो है, कोई प्रूफ है आपका? प्रूफ मार करना कोनी आई तो बात नहीं, माम खेत में रवा कोनी, माम घर रवा हाँ, पर हमारे खेत में दूसरा आदमी कौन बड़े, इस बात की मैं मेरे छोरा को नेम तक देके प्रूफ दिखा सकूं अपने, क्योंकि मारे कर रखे आपने जिस तरह, या पूरा नरमा है, बीच में बाजरा है, फिर आगे मूंग है, अब देखो आडू सारे आज सुबेरे की फसल मेरी तोड़ के गया है दंती पे, ये देखो पेड़ ऊपर हूं दंती में काट रखे यो पेड़, तो केतुक बने ये तो कोई भी काट सके, ये जरूरी कोई काटे हमारे खेत में, या गारंटी है कि मारे इतना झगड़ो चला है, गांव को दूसरा आदमी बड़े कौन हमारे खेत में, कोई भी कौन बड़े हमारे खेत में, सिर्फ मेरी जिठानी मेरी ननंद दोनों लीक लगावे है, वे करण लाग रही है यो पेड़ो दंत क्यों काटे है। आपकी ननंद तो को 4 साल था हमने बुला दिए, 4 साल बुलाने की बात है, जिस टाइम मेरा हस्बैंड मरे उस टाइम मेरी ननंद मनिया बोली तू जा छोरा मैं रखूंगी, मैं कटे जाऊं, या तो उसने मैंने जिग्ञा बतानी थी भी आज जिग्ञा तू अड़े रे ले, और नहीं फिर मैंने कहो क्यों। उसके बाद में मेरा शक्ति लड़के गई थी, और इसके हस्बैंड फोन करके मैंने न्यू कहो वो पूर्णवासी ने मरियो है 11 को इनको बरत, 12 दिन सवेरे पहले बिना डांगर नीरे बिना कुछ करे माँ बेटा ने सुत्या छोड़ गए आग भी थी, और उसको हस्बैंड में न्यू कहो फोन करके बोले मारो घर तो तेरा तो उजड़ गयो, मारो ना उजाड़े मेरी लुगाई ने घर भेज दे, मैं कभी मेरा तो उजड़ गयो, या तो खास बात है बस है ना, बस यही बात की कोई उम्मीद कौन तू ले जाए इसने, या चली गई थी। जब मैंने यहाँ बताओ उसके बाद में जब मेरा हस्बैंड मेरे 7 दिन हुआ
मैंने नहीं कहा तू और का चली जा, तो मैं अंक सागे किए तो कुंभ लो। और उसके बावजूद भी मेरे कने प्रूफ है कि मारा पड़ोसी या सर्दियां मारी थी, मैं दुकान पर हजार को सूट दिवा के लिए मेरे छोरा की ताई है पड़ोसन हजार को सूट बन दियो है, ये न्यू कह बुलावा कोनी। और बुलाने के बाद मैं फोन करूं जो मैं न्यू कहेगी मैं लेन आ जा, तो मैं इतनी दूर किन्ने लेनो, मैं वो घर ही कौन जानू कड़े से, कदे कह मैं गोगड़िया हूँ कदे कह मैं फ्री दवा दू, मैंने तसली को नहीं है कड़ाई। आपकी दोनों नंदा दोनों का हक आपके हिस्से में या सच्चाई झूठ? हाँ ये सच्चाई है, दोनों हक है, वो मेरे हिस्से में और वो है के तरीका हूँ, क्योंकि मेरी सास और दो बहना ही दराणी जठानी दो ही, तो सास की जो सास थी उसके बेटी थी आंगी बुआ होगी मेरे फ्रेंड की, उसका 12 किला, तो मेरी सास 420 में 12 किला मेरे जेठ का नाम करवा दिया, तो उसने इस बात का बेरा भी तय 420 खेली तो तेरी औलाद भी 420 खेलेगी। आज वो 30 साल बाद में मेरे ससुरो मरियो, तो मेरी सास ने दोनों भाइयों की जमीन आदि आदि कर दी, उस टाइम इसने कहे भी 12 किला तू आधा दे दे, इसने मना कर दियो, बोले मैं कौन दू, तो मेरी सास दोनों चोरियां की जमीन ही वो हमारे इंशम करवा दी, यह सच्चाई हमारे इंशम है। और जो मेरी सास का आपका इंशम 5 किला रहे, इब के समाधान चाहो आप इस बेचने नुकानू फसा रखना चाहो? नहीं, गांव का सरपंच ने पूछो, चौके रन जाके पूछो, 6 बार पंचायत होली 4 साल तक थाने तहसीलें चक्कर काटने लग रहे हो, नुए चक्कर काट दे रहे हो, कोई समाधान क्या इनकी सोच है? अगर ये मन तंग आप के चाहो के समाधान, मैं क्या को भी इज्जत बस और बसने दियो, जियो और जीने दियो, जियो और जीने दो, हक ना मारो, अपना हक छोड़ो ना दूसरे का मारो ना, अपना हक छोड़ो ना दूसरे का मारो ना करके खेले लेके दे दे, इस तो बड़ी को सोच नहीं होती, इस तो बड़ा को आदमी नहीं होता। तो फिलहाल के समाधान चाहो इस बात का, 4 साल तक बदीन माटी आपकी हो रही है, उनकी भी हो रही है, थाने तहसील बोला उनकी कोई बदीन माटी को नहीं हो रही, अब 3 महीना हो गया मेरी नंद ने घर में बिठा रखी है, उसकी जवान छोरी है 20 साल की, उसको छोरा कॉलेज में जाए, उसको आदमी नौकरी पर जाए, आप ग्रेजुएट हो, आपने ग्रेजुएशन करा की है, और आप बात मेरी बात सुनो, आप पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, समझदार हो, तो आप ये बताओ कि भाई इस पेज ने नुक्कड़ नु फसा रखना चाहो कि इसका किमें समाधान चाहो? नहीं, मैं तो यहाँ को समाधान होना चाहिए, ये समाधान होना चाहिए, समाधान यो ये भी देखो आने जिस तरह जमीन ए न्यू कह भी आज जमीन है, मैं इस तरह लूंगी, क्योंकि यो फ्रंट लग गया है, इन्हें प्लाटा लग गया है, इन्हें जमीन महंगी है, 20 साइड जमीन पहले खेत मन दे रखे हो, आज 10 साल पहले मन दे रखे हो, मैं इबली हूँ यो खेत, क्योंकि हमें राह कौन दिया जमीन, क्योंकि राह कहीं सही जमीन छोड़ दियो, यहाँ जमीन कौन छोड़ दी, जब हम थाने में चल गया, थाना रहा हमारा कागज देखे जो बोले खेत नाम तेरा है, जब हमारी पुलिस आ गया जमीन बुआ गई है, इतनी पुलिस कार्रवाई हटा, पुलिस ना उड़ी को नहीं थी, इतना पड़ोसी आ रहा था खेत में, वे न्यू कह भी नाम है बीती जमीन बागी, वो तो पुरानी बात तो देख लिए कि भाई आप उन पर आरोप लगा हुए, आप पर आरोप लगा हुए हैं, लेकिन फिलहाल ईब के चाहो ईब मैंने यहाँ बताओ, जब न्यू बाड़ी तोड़ेगी तो क्या फैसला होगा? अभी यहाँ मैंने यहाँ बताया मेरी बाड़ी दंत क्यों काट के गई है, मेरी बाड़ी का टिंडा कहीं तोड़ रखे, ये तो देखो यो कांसी चुग रखी है, पेड़ काटा है या बाड़ी काटी है, बेतुकी बात करने लग रहे हो, मेरी बाड़ी तोड़ गई, कांसी चुग ली, ये बेतुकी बात क्यों करो हो? ये देखो अड़ता है ये टिंडा, ओहो ये देख बहन जी, नहीं जो खब्बी करे खब्बी चल लगी, या देखो टिंडा अड़ते, टिंडे तोड़ के लेगे, ये देखो टिंडे तो तोड़ रखे, फिर तोड़े किसने है? मैं बताऊं मेरे छोरा, मेरे एक छोरा नेम दे के कहूं कि मेरी ननद मेरी जिठानी टिंडा तोड़े, तीसरा आदमी मेरे खेत में नहीं बढ़े, अच्छा गारंटी है। चलो आपके आरोप ने सच्ची मान लिया, इस बात की आपके आरोप ने सच, एक मिनट मेरी सुनो, आपके आरोप ने सच्ची मान लिया कि भाई आपकी देरानी आपकी जेठानी टिंडे तोड़ के लेगी, तो आप के चाहोगे? नहीं आप थे यहाँ को अभी बाके तोड़े, ये बात की मेरे रिकॉर्डिंग है, आज से महीने पहली मारी लड़ाई हुई, जब मेरी जिठानी नहीं बैठी यहाँ वाली, तू कमावा चमारांगी डाल के, और कपास देखी चुगे कौन ले जाएगो, कपास तो मैंने ही चुगे ले जी, और वह लेगी, उसके बावजूद मैं की कौन कह चुग ले, मन चुगेगी, 2 मन चुगेगी, 5 साल चुगेगी, 10 साल चुगेगी, 10 साल चुगेगी, चोरी पैस कौन पड़े नहीं, पैस कौन पड़े नहीं, चोरी मामू, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई कौन करी, नहीं मैं जिंदगी से चौकी में चल जाऊं, और मैं वो बुलंद नीच हो रहे नीच को क्या बिगाड़ सके, मेरा कुंड करने नल कुआ चला, वो तो दिखा दोगे आप, मैं ये कहूँ आपकी कांसी आपकी कपास जो है मान लिया कि आपकी दिरानी जेठानी, आपकी दिरानी जेठानी चुग के लेगी, आप के चाहोगे? मैं तो चाहूँ भी ये क्या मी खब्बी करे, पहली बात आने पूछो भी तुम खब्बी क्यों करो, खब्बी क्यों करो, वो तो देखो आपका मामला चला जमीनी विवाद है, कांसी चुग के लेगी कपास लेगी, इन छोटी छोटी बात आप थाने तहसील ले चाहोगे? देखो थाना तहसील को नहीं, आखिर में कदन कदे चोर पकड़ी जगन, अब मैं मेरे खेत में कैमरा लगवा मोको पुलिस ने बुला के इसकी तफ्तीश करवाओगे आप, अगर मेरी कांसी चुग लेगी मेरी बाड़ी चुगन दीवान है, जगदीन को पास बेंचा का घर तय निकला, उस दिन आप ही पकड़ लूंगी मैं,
अच्छा। मैं सारी चीज करूंगी, या कौन है जिस दिन कांटा लगेगा उस दिन आप देखो। आप भी पकड़ लिया, आगे खेत में 15 किलो को पास है तो बाकी के पास आई किन्नु। क्या कह रहे जी? सिर्फ और सिर्फ हमारी छोटी छोटी बात थी। अब मैंने यहाँ बताओ, मेरी शादी हो रही उस आदमी से, मैं जे नहीं कह दू जिठानी घर कौन जानो, या जे जबरदस्ती बुलाती इसकी गलती है कौन? आखिर मैं वो आदमी इनका घर आपकी जान दे गयो। अच्छा, आपके हस्बैंड की घर मरे थो श्याम की टाइम थी रक्षाबंधन को दिनो, मेरी माँ अगर मोड एडमिट हो रही मारकना वे कागज भी है हाँ, और इनका घर रोटी खाना आयो एक घंटा वो आदमी पूरा हो गयो। मैं इनका घर जद की जद आई अगर वो मोड़ता है मेरे भाई मैं गाड़ी ले, इनका घर ताड़ो लाग रहे हो जे ये सच्चा तो ताड़ो मार के क्यों बाजिया, ये डॉक्टरी क्यों कौन कराई? मेरा भाई नहीं अवलिया कि जे डॉक्टरी करावेगा तो तेरी बहन ना डनी पसंद जाऊंगा, सारा परिवार ने मुट्ठी कर लियो। या लुगाई जिसी बोल रहा नहीं उसी को नहीं, आप बोल रहा मिठी करा गलत, मैं तो को गलत बोल लियो गलत कर दियो रोजगी छुरी अच्छी होनी है। अन भी आदमी की जान ले ली के बिगाड़ ली, जमीन इसने कौन भी लेनी, और भगवान इसके साग इनकी शिमारी करे इसकी जमीन तय भी कर ली। बिल्कुल सही बात है, अपना हक छोड़ो ना दूसरे का मारो ना, लेकिन आप उस बात पर नहीं आने लग रहे, मैं के समाधान चाहो नुए नुए राड फसी रहे नुए पेच फसा रहे या चाहोगे? नहीं देखांगे खेत पड़े हुए खाली भाव, मेरे खेत में नुकसान ना करो, मैं इनके खेत में नुकसान करूं दो आदमी दिखाओ और मैंने बताओ भी तय यो नुकसान तय करियो, आज तक इनके खेत में मैं लिखो भी कौन चुके चलो जो है बाल संबंध में एक बड़ा विवाद हो रहा है, और इन छोटी छोटी बातों पर जो है ये महिला आरोप लगाने लग रही है, इन छोटी छोटी बातों में जो इनके हस्बैंड की डेथ होगी 2019 में, और आज भी मामला के है, मामला बड़ा गंभीर है, गंभीर तो के गंभीर बना रखा है, या तो मतलब बात का पतंगड़ बनाने वाली बात कर रखी है, क्योंकि कपास चुगली टिंडे तोड़ लिए कांसी तोड़ ली इन बातों पर भी जो है थाने तसीले हो रहे हैं, तो ये मामला बड़ा गंभीर है। और एक बिल्कुल देख मेरो या ज्वार है इतनी बुंदी कड़ा इतनी पाड़ के लेगी कड़ू इतनी पाड़ के लेगी या ज्वार मेरे खेत मान के हक चरण को अन है क्या कोई हक हक का तो मैंने बताओ भी हक का ये ज्वार चरा बिल्कुल आपके खेत में आपका हक है, किसी दूसरे ने नहीं जाना चाहिए, लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि वो आपकी जिठानी ने पाड़ी है आपकी ननंद ने पाड़ी है आपके है, सबूत है मेरी आत्मा है सबूत, मैं नियम देश को मेरा एक छोर है, मेरा खेत में आज मन 10 साल हो गया, तीसरो आदमी कभी बड़ेड़ो कौन देखियो, तीसरो आदमी मैं आज बड़ेड़ो कौन देखियो, तब क्यों बड़ेगो? अरे भैया मैं जमीन ले ली, फोरेंसिक रिपोर्ट आई थी, गोबर चेक करवा था आपने की कौन सा खेत की ज्वार खाई है, या तुम बात कही नहीं तो करवा इसकी अड़ा जी इनके पैर इनकी दंती मैं तो क्यों करवाऊंगा आप करवा लो, जो तू बात करवा रहे उसको जवाब देगो, अब इसकी अड़ा की दंती लिया अड़ा की मिट्टी लेज और इसकी चेक करवा आप करवाऊंगा आप करवाऊंगा मैं क्यों करवाऊंगा, मैं तो आपकी सुनना रहा हूँ, आपने कह दिया तो आपने तो ये छोटी छोटी बात करा के बोला टिंडा तोड़ लिया कांसी तोड़ ली कपास चुग ली, वो तो कोई भी चुग सका आप भी चुग सको, छोटी सी बात है मैं तेरा 4-5 एक रेपटा दर दूंगी, छोटी सी बात है छोटी हुई क्यों रेपटा क्यों दर फिर मेरी फसल ने चुगा या कोई छोटी बात है, तो फिर आप तो दिखने लग रहे हो रेपटा मेरे मारोगे तो आप दिखने लग रहे हो, ये बेतुकी बात ना करे मेरा नलका देख बेतुकी बात करे बात से इस बात को मैं जवाब रिपोर्ट करवा जा रिपोर्ट आप करवाने मैं कौन हूँ रिपोर्ट करवाने आप करवाओ माने तो बेरो ही बात को नहीं करवाओ तो फिर क्यों विवाद कर रहे हो क्यों विवाद कर रहे हो ये फालतू बात ना करे फालतू बात आप कर रहे हो नलका देख लिया नलका के देखना बताइए छोटी छोटी बात कर रखी है तुम्हारे तो छोटी खतरी लड़ाई है नावड़ है ना दुखी हो चलो ठीक है भाई यो 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 विवाद देख लो रोब ना जाड़ो ठीक है नहीं रोब ना जाड़ो ना 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 आपके नौकर थोड़े हैं आप तंखा दे हो खान में दे हो क्यों फिर रोब क्यों जाड़ो हो रोब किसा जाड़ो आप नलका दिखा के देखना नलके का ये टिंडा तोड़ लिया कपास चुग ली के बात से बस तुम्हारी थी आई लड़ाई है तो आई लड़ाई है मानस मरिया पहली रवि आगे मरेगा ये देख मेरे नलको ईंट मार के ना हर जग दिन मेरी कपास बिल्कुल भाई प्रशासन दा बिल है सदर थाना हिसार अगर सुन रहा है तो इस महिला का जो ये नलका तोड़ दिया भाई ये दिखाइए एक बार यो दिखा दे यो नलका तोड़ दिया इनकी कपास चुग ली इनके टिंडे तोड़ दिए और इस मामले पर FIR होनी चाहिए और दोषियों को फांसी तोड़ दी जाओ भाई ठीक है ईब खुश हो ईब संतुष्ट हो गए आप देखो यह तो होगी आप ना को तो ही होगी ना ना आप संतुष्ट हो गए हां मैं संतुष्ट हमारी बात की कार्रवाई होनी चाहिए ठीक है तोड़ दो फांसी जिसने कपास चुगी इनके खेत में जिसने कपास चुगी इनके खेत में जिसने टिंडे तोड़े इनके खेत में उनकी फांसी तोड़ा दो भाई ये कहने लग रही तो ये मामला बाल संबंध का है एक दादालाई जमीन को लेकर विवाद है साथ के साथ शेयर कर दो लाइव आप सर्चर यहाँ चैनल के माध्यम से देखने लग रहे हो मिलते जल्दी नई अपडेट के साथ और एक ही वीडियो में पक्ष और विपक्ष दोनों रख दिए गए हैं तो साथ के साथ शेयर जरूर करें धन्यवाद।